हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन की। नीट 2022 का पीवाईक्यू है। क्वेश्चन पूछा था डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म आप सबको पता है चैप्टर है ये, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टॉपिक में आपको मिल जाएगा, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पेज नंबर इज 121। तो इन्होंने बोला था डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म किसका बेसिस है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ट्रांसलेशन, एंड फोर्थ था जेनेटिक मैपिंग। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऑब्वियसली ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज होता है। सेकंड जो फोर्थ ऑप्शन दिया है जेनेटिक मैपिंग, उसमें भी यूज होता है, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज टू, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है ये। एनसीईआरटी की लाइन देखो क्या लिखा है, एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये लाइन देखिए एनसीईआरटी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। तो आंसर बेटा इसका फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, फोर्थ भी, गलत कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसमें बता रखा है बोथ वाला, तो एनसीईआरटी बोथ बोलती है तो हमें बोथ ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की लाइन्स को बहुत ध्यान से पढ़ के जाइए, क्या लिखा है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ कहाँ यूज होता है, राइट। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।